आज हम मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री कामाख्या जो आपका गुवाहाटी डिपो में है उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि इनकमिंग का जो सॉइल हम लोगों का आता है आने के बाद ये स्टोर में रिसीव होता है, इसकी स्टोर में आपका काउंटिंग के बाद उसको डिफरेंट स्टेज में रखा जाता है। जैसे उसमें आपका हैवी स्टेन मिलता है, ऑयल स्टेन, लाइट स्टेन, जीरो स्टेन भी हम लोगों को मिलता है। उसी हिसाब से उधर से सॉइल ले लाया जाता है आगे आपका वाशर में वॉश करने के लिए। ये जैसे हम लोग के पास 3 बड़ा वाशर है 100 केजी वाला, जिसमें हम लोग बेडशीट धुलाई करते हैं, और 2 आपका 60 केजी का है वो हम लोग पिलो कवर और हैंडल धुलाई करते हैं। इसमें हम लोग धुलाई करने के बाद इसको ट्रॉली में रखा जाता है सेपरेट करने के लिए। तो जैसे इधर ट्रॉली हम लोग का अलग अलग ट्रॉली है, स्टेन के लिए अलग से है, और वॉशिंग होने के बाद जो रखा जाता है उसके लिए अलग से है। उसमें सेपरेट करने के बाद वो फिर बेडशीट आपका डबल रोलर में चला जाता है आयरनिंग के लिए। तो उधर से आयरनिंग होने के बाद उसमें फोल्डिंग किया जाता है पीछे में, और उसमें अगर कुछ रिजेक्ट मिलता है वो फिर रिवॉश के लिए आगे वाशर में आता है। और आपका डायर जैसे 1 नंबर और 2 नंबर डायर हम लोग का 50 केजी का है, उसमें हम लोग पिलो और हैंडटॉवल डायर करते हैं। और एक हम लोग का 120 केजी का डायर 3 नंबर डायर, जैसे कैलेंडर करने के लिए हम लोगों को आयरनिंग मशीन में स्टीम का ज़रूरत होता है। उसी हिसाब से बॉयलर हम लोगों के पास है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर बॉयलर है 600 केजी का, और 2 नंबर है 400 केजी का, 3 नंबर 400 केजी, और 4 नंबर है 850 केजी का। तो उसी हिसाब से वो स्टीम दिया जाता है आयरनिंग मशीन इलेक्ट्रोलक्स और डबल रोलर में। बेडशीट फोल्डिंग होने के बाद वो फाइनली आपका क्वालिटी चेक के लिए जाता है। क्वालिटी चेक में हम लोग ये वाइटनेस मशीन से हम लोग उसको वाइटनेस देखते हैं, उसमें अगर वो पास हो गया तो वो फाइनल पैकेटिंग में चला के उसको हम लोग डिस्पैच कर देते हैं जो जो ट्रेन में देना है। काउंटिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे शॉर्टिंग किया जाता है। ये जीरो स्टेन मतलब कोई दागी नहीं इसमें, ये है आपका लाइट स्टेन, थोड़ा जो दागी है वो, ये है आपका ऑयल स्टेन वाला जो दागी है, और ये है सबसे ज़्यादा दागी होता है। उसको हिसाब से हम लोग शॉर्टिंग करके, शॉर्टिंग के बाद सॉइल मिलिंग जो है यहाँ पर वॉशिंग के लिए लाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीन है हमारे यहाँ पर वॉशिंग के लिए 300 केजी के हैं, और दो जो हैं 60 केजी के हैं। तो इसके हिसाब से बेडशीट डाला जाता है। 100 केजी के मशीन में आपका बेडशीट दिया जाता है 230 नंबर्स करके, और बाकी जो आपका 60 केजी है वो हैंड टॉवल और पिलो कवर के लिए है। ठीक है, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग सेट करके रखता है। जैसे कि हेवी के लिए अलग प्रोग्राम है, लाइट स्टेन के लिए अलग प्रोग्राम है, और जो जीरो स्टेन है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम सेटिंग किया है। उसके हिसाब से ये अपना काम करता है। हम लोगों का ऑटो ड्रेजिंग सिस्टम है डाइवर्सी का, इसमें 7 टाइप का केमिकल रहता है। इसमें 1 नंबर में रहता है आपका क्लैक्स 200, क्लैक्स सुप्रीमो, क्लैक्स सस्पेंड एक्स्ट्रा, क्लैक्स 1800, क्लैक्स हाइपोमेजिक एंड क्लैक्स ऑप्टिमो प्लस। तो ये सब मशीन ऑटो ड्रेजिंग किया हुआ है। इस वॉशर में क्या होता है, इसका जो प्रोग्राम सेट किया हुआ होता है तो हैवी स्टेन के लिए अलग डोजिंग है, उसी हिसाब से ये डोजिंग ले लेता है। इसे वॉशिंग होने के बाद ये ट्रॉली में रखा जाता है, उसके बाद उसको सेपरेट करके ये ट्रॉली में रखा जाता है। इधर आपका जितना स्टेन वाला मिलता है तो ये फिर रिवॉश के लिए ये वाला ट्रॉली में रख देते हैं, उसके बाद फिर ये रिवॉश में चला जाता है। अच्छा वाला लिनन इधर सेपरेट किया जाता है, तो वो आयरनिंग के लिए फाइनल वो डबल रोलर में चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेपरेट होने के बाद ट्रॉली इधर आता है हम लोग का, वो डबल रोलर कैलेंडरिंग मशीन में जाता है। उसके बाद वो मशीन से आपका कैलेंडर होके आपका पीछे का वो फोल्डिंग में उधर रहता है। कैपेसिटी उसका 9 मीटर पर मिनट है। जैसे आप देख सकते हैं इधर आपका कैलेंडरिंग होने के बाद ये फाइनल स्टेज में बेडशीट आ रहा है, तो इसमें फोल्डिंग करने के बाद यूजुअली उसको इधर रखा जाता है। अगर इसमें कोई दागी या मिलता है तो वो फिर रिवर्स ट्रॉली में उसको डाल दिया जाता है, फोल्डिंग टेबल में आ जाता है हम लोग का। अभी ये वाइटनेस मीटर से चेक हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं वाइटनेस मीटर के चेक होने के बाद ये फाइनल हम लोग जो पैकेटिंग करने के लिए आए हैं इधर अपना सब पैकेट हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं पैकेटिंग होने के बाद पैकेट को अभी ये बैग में कार्पोलिन बैग में भराया जाता है फाइनल वो डिस्पैच के लिए।